वेलकम बैक टू योर चैनल मैडी स्टूडेंट। देखिए पहले तो आई एम रियली सॉरी क्योंकि कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था काफ़ी व्यस्तता की वजह से, लेकिन आप बिल्कुल मत परेशान होइए, ठीक है। आपकी एग्जामिनेशन के एक से लेकर के डेढ़ महीना पहले पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद सिर्फ रिवीजन होगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, रिवीजन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को अच्छी तरह से समझ में आएगा जो ये पूरा सिलेबस अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। और उसके बाद पूरे एक महीने सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर काम किया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाएगा और वहाँ पर आप का स्कोर अच्छा करने के लिए सारी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, और ये आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे तो सिंपली आपका वहां पे स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कुछ नया रूट वर्ड, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे ओमनी के बारे में, OMNI, ठीक है। ओमनी का मतलब होता है आल, क्या होता है इसका मतलब, आल होता है, आल का मतलब होता है क्या, सभी, ठीक है। तो यानी कि यह समझना है कि इंग्लिश के किसी भी शब्द में, यानी कि विश्व में कोई भी इंग्लिश का शब्द हो, देखिए अंग्रेजी पढ़ने से आपको बहुत सारा फायदा होता है। सबसे बड़ी चीज की है इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ साथ आप विश्व के कहीं भी जाएंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे तो इंग्लिश में आप सिंपली वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे हम ओमनी का, ठीक है। तो विश्व के किसी भी शब्द में, इंग्लिश के किसी भी शब्द में यदि आपको ओमनी दिख जाए, यानी कि OMNI, तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं सभी चीजों के बारे में बात करेगा, कहीं ना कहीं आल चीजों के बारे में बात करेगा, ठीक है, समझ पाए। चलिए आज हम दो रूट वर्ड लेके चलेंगे, एक ओमनी लेके चलेंगे और एक हम साथ ही साथ क्या लेके चलेंगे, वोर लेके चलेंगे, VOR, ठीक है। वोर भी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब ये कहीं भी आएगा तो इसका मतलब होगा ईट, यानी कि खाने से कोई भी चीज संबंधित होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, यहां पर समझ लेते हैं क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ओमनी मतलब हमने क्या बताया, सभी, ठीक है, यानी कि आल। चलिए आइए देखते हैं एग्जामिनेशन में आपके कैसे क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, देखिए पूछेगा नहीं बल्कि कई बार पूछ चुका है, इसका कहने का मतलब है कि वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सभी जगह पे मौजूद हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब मैंने क्या बताया, सभी, क्या बताया, आल। तो और प्रेजेंट का मतलब मौजूद रहना, यानी कि जो सभी जगह पे मौजूद हो वो कौन होता है, जी बिल्कुल सही, वो होता है कि ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वन हु नोज एवरी थिंग्स, यानी कि ऐसा जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलेंगे, ओमनीसिएंट, ठीक है। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब कि वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जिसके पास सारी शक्तियां हो उसको क्या बोलेंगे, ओमनीपोटेंट, ठीक है। ये देखिए तीनों के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो हो सकता है गॉड, ठीक है। देखिए गॉड के पास ही सारी शक्तियां हैं कह सकते हैं, है ना, और गॉड क्या है, वो सब कुछ जानता है, ईश्वर भगवान अल्लाह जो भी है वो क्या है, वो सब कुछ जानता है। और ये साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सभी जगह प्रेजेंट हो तो कहते हैं कि गॉड सभी जगह प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस शब्द आया, इसका मतलब है कि वन हु कैन ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि जो सभी प्रकार का भोजन खाता है उसको क्या बोल देंगे, बिल्कुल सही, ओमनीवोरस, ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे, बिल्कुल सही, क्या बोल सकते हैं, ओमनीवोरस। चलिए ये तो कुछ है ऐसे वर्ड जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो कि कभी कभार ही पूछते हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं उनको। जैसे एक क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में पूछता है कि वन, ठीक है, यहां पर देखिए, वन हु लिव्स ऑन ग्रास, GRASS, जिनको स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगी वो लिखते चलेंगे, मैं स्पेलिंग बोल दूंगा, ठीक है। वन हु लिव्स ऑन ग्रास, यानी कि जो घास पे जीवित रहता है उसको क्या बोलते हैं, हर्बी, HERBI, हर्बी वोर OUS, ठीक है। देखिए हर्बी वोरस बोल देंगे, हर्बी मतलब मैंने वोर मतलब बताया क्या होगा, खाने से संबंधित कोई भी चीज की बात करेगा, ठीक है, और हर्बी मतलब याद करेंगे हरा भरा, यानी कि घास कैसा होता है, हरा भरा होता है, तो जो घास खाने पे मतलब घास पे जीवित रहेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हर्बी वोरस, ठीक है, याद रखेंगे। एक ऐसा ही वर्ड मिलता जुलता आपके एग्जामिनेशन में पूछता है कि वन हु लिव्स ऑन फ्लेश, FLESH, फ्लेश यानी कि जो
किस पे? मांस पे निर्भर है, मांस पे जीवित है, उसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, CARNIVOROUS, यानी कि कार्निवोरस। माय डियर स्टूडेंट, कार्न शब्द कहीं पे भी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? फ्लेश। और इसका फ्लेश का मतलब क्या होता है? मांस। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंग्लिश में ज्यादातर फ्लेश न देकर के कार्नी शब्द देता है, तो ये कहीं भी आ जाएगा तो समझना क्या है कि मांस के बारे में बात कर जा रहा है। और वोर मतलब क्या मैंने बताया? खाने से संबंधित चीज। तो जो मांस खाएगा उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। जो घास खाएगा उसको क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। समझ पा रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही पूछता है आपके एग्जामिनेशन में, वन हु डज नॉट लिव ऑन फ्लेश, FLESH। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, VEGETARIAN, यानी कि वेजिटेरियन। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? शाकाहारी। बिल्कुल सही, शाकाहारी। और इसका कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? मांसाहारी। ठीक है, समझ पाए? तो इसको आप नोट इट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास समय है, आप इसको नोट कर सकते हैं या कि फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एक और लास्ट शब्द है आपकी एग्जामिनेशन में, बहुत धड़ल्ले से पूछता है, वो क्या है कि वन हु लिव्स, LIVES ऑन, देखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, वन हु लिव्स ऑन ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन फ्लेश। सर ये क्या होता है? सर ह्यूमन फ्लेश मतलब मैंने क्या बताया? मांस। बिल्कुल सही, और ह्यूमन मतलब क्या होता है? आदमी, यानी कि मैन। तो ऐसा जो कि आदमी के मांस पर निर्भर हो, यानी कि वो मनुष्य का मांस ही खाएगा। जी हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनको बोलते हैं इंग्लिश में कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? नरभक्षी। क्या होता है? नरभक्षी। ये आपकी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, कैनिबल। ठीक है, आपने एक मूवी देखा होगा गो गोवा गान, उसमें क्या होता है कि वो एक बीमारी होता है, एक वायरस होता है, वो अटैक करता है, उसके बाद वो लोग नरभक्षी बन जाते हैं, यानी कि इंसान का ही मांस खाते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मूवीज है। तो ये आज के कुछ वर्ड हैं, हमको लग रहा है करीब करीब आपको दो इसमें रूट वर्ड मिला और कम से कम 10-12 आपको पूरी वन वर्ड की पूरी सीरीज मिली होगी। ये आपको साइनोनिम में भी काम देता है और एंटोनिम में भी काम देता है और सबसे ज्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम देता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और मैं साथ ही साथ, जैसे रूट वर्ड चल रहा है तो साथ ही साथ ये आपको सबसे ज्यादा इंप्रूव करेगा वन वर्ड में, तो मैं आपको ऐसे बीच बीच में आपको इडियम्स और एंटोनिम और साइनोनिम सारी चीजें कराता रहूंगा और ग्रामर भी साथ साथ लेके मैं चलूंगा। ग्रामर में मैंने बता दिया है कि आपको टेंस से शुरू की जाएगी, शुरुआत उसी होगी। ठीक है, तो अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बिल्कुल मत घबराइए, कभी कभार हो सकता है व्यस्तता की वजह से वीडियो ना आए, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि ऐसा नहीं कि सर चले गए, आपको हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के बाद ही कुछ करेंगे। ठीक है, तो पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आवाज से लेकर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, यानी कि बच्चे कमेंट कर रहे थे, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपका जो कि वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो शायद अब आपका वॉल्यूम सही आ रहा होगा। ठीक है, आवाज सही आ रही होगी, तो कमेंट करके बताइएगा कि सही आ रही है कि नहीं। ठीक है, और बाकी चीजों के लिए मिलेंगे नेक्स्ट।